तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए एमएस एक्सेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें लास्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे एग्ज़ाम में आपके अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है TG2 का, उसमें आए हुए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन ही मैंने दिए हुए हैं और स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ऑप्शन के साथ रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में कहीं भी रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हो। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है आपको, कि जिससे आप दोनों ही ऑप्शन को फ्रीज कर सकते हो। तो फ्रीज पेंस, फ्रीज सीट, पैराग्राफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रीज पेंस। किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? मतलब क्या है कि अगर एमएस एक्सेल का कोई फॉर्मूला है तो उसमें जो रेंज होती है उसको किससे अलग करते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल पहले सेल से लेकर 5वें सेल तक की आपने रेंज दी है कि इसके बीच में ये फॉर्मूला लगाया है आपने, तो पहले से 5वें सेल का जो रेंज दी है उसके लिए आपको पहले सेल का एड्रेस लिखना होगा और 5वें सेल का लिखना होगा। उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि इससे इस तक आपने फॉर्मूला लगाया है, कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो सेमी कॉलन, कोमा और फुल स्टॉप और कॉलन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉलन यूज़ किया जाता है, A1:A5। फॉर एग्जांपल A1 से लेकर A5 तक आपने रेंज दी है। तो ऐसा नियम जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने पूछा है और ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, मतलब जो क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मेट अलग अलग होता है, मगर क्वेश्चन सेम वही पूछा गया है और शायद ये आपका क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक, नन ऑफ द एबव। आंसर होगा गोल सीक। इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती हैं, जैसे मतलब किस टैब में आपके प्रूफिंग टूल्स होती हैं, प्रूफ करने वाले टूल्स किस टैब में होते हैं? रिव्यू में, डेटा में, व्यू में, इंसर्ट में। तो आंसर क्या होगा? रिव्यू टैब में होते हैं प्रूफ करने वाले प्रूफिंग टूल्स। स्प्लिट विंडोज़ ऑप्शन एक्सेल के किस टैब में उपस्थित होता है? स्प्लिट विंडोज़ का ऑप्शन किस टैब में होगा एक्सेल के? व्यू, होम, पेज लेआउट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा व्यू टैब में होता है स्प्लिट विंडोज़ का ऑप्शन। एमएस एक्सेल क्या है? विंडोज़ पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, विंडोज़ पर आधारित स्प्रेड शीट पैकेज, डॉस पर आधारित स्प्रेड शीट पैकेज, डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। तो इसमें आंसर क्या होगा? विंडोज़ पर आधारित एक स्प्रेड शीट पैकेज है आपका एमएस एक्सेल। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक सेपरेट सीट है, उसके सेल से आपको आंकड़ों को, डेटा को प्राप्त करना है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, अपडेटिंग, फंक्शनिंग। तो इसका आंसर होगा रेफरेंस आप दे रहे हो एक अलग सीट के डेटा से, तो उसको बोलेंगे रेफरेंसिंग। एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे, मतलब आपने जो सेलेक्ट करके रखा है एक पर्टिकुलर पार्ट उसको कैसे प्रिंट करोगे? तो इसका आंसर आपको बताती हूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ऑप्शंस देख लीजिए। फॉन्ट का साइज़ बदलकर, स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके, जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। तो यही आंसर सही होगा कि जिस अंश को हमें प्रिंट करना होता है, जिस भाग को, उसे हम सेलेक्ट करते हैं, फिर प्रिंट डायलॉग बॉक्स से सिलेक्शन विकल्प चुनते हैं, तो वैसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में सेल में कमेंट्स लिखने को क्या कहते हैं? सेल टिप, सेल रेट, कॉलम, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सेल टिप बोलते हैं। स्प्लिट कमांड किस सीट को विभाजित करती है? करेंट, एक्टिव, न्यू विंडो, ऑल विंडो। आंसर क्या होगा? एक्टिव सीट, जो स्प्लिट कमांड होता है वो एक्टिव सीट को विभाजित करती है। वर्तमान विंडो को छिपाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? हाइड, हिडन, सेव, लॉक। तो इसका आंसर होगा हाइड कमांड का यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है? इंच, पिक्सल, सेंटीमीटर, परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या होगा? इंच में नापी जाती है एमएस एक्सेल में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई। कौन सी एक ऐसी फाइल है जो सेंड टू यूज़ रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाती है? सीट, टेम्पलेट, बुक, रिपोर्ट।
तो रेडी टू यूज़ या फिर सेंड टू यूज़ रूप में जो होती है वो फाइल होती है आपकी टेम्पलेट। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है चार्ट, टेबल, पिक्चर, ग्राफिक में, जो डेटा और सूचनाओं को समझने के आसान और आकर्षक तरीके के विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर होगा चार्ट होता है। एमएस एक्सेल में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ये 2010 के लिए नहीं, सारे ही वर्जन के लिए ये सेम ही क्वेश्चन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो जो भी एक्सेल में नई फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? बुक 1। निम्न में से कौन सी एक्सेल का टर्म नहीं है? कौन सा टर्म एक्सेल का नहीं है? रो, कॉलम, डॉक्यूमेंट, नन ऑफ द अबव। देखिए, डॉक्यूमेंट एमएस एक्सेल का टर्म नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है वो एमएस वर्ड में यूज़ किया जाता है। एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस टैब। तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस पेज अप यूज़ करते हैं पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हो तो किस तरह से पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? मतलब कौन से पेज ओरिएंटेशन का यूज़ करना होगा अगर आपको चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। आंसर क्या होगा? लैंडस्केप। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? फुटर, कॉलम, हेडर, पैराग्राफ। तो इसका आंसर होगा हेडर बोलते हैं ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को। आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है? सेल, सीट, बॉक्स, टेबल। तो टेबल होती है जिसमें हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम होते हैं। स्प्लिट अरेंज फिल्टर, ये पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। तो ये कौन से पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं ये पूछा गया है आपको। स्प्लिट अरेंज फिल्टर, फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट, रिएक्शन। तो ये होते हैं फंक्शन, स्प्लिट अरेंज फिल्टर, फंक्शन, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं। एमएस एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है पहले एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? .xltx होता है एमएस एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। स्प्रेड सीट प्रोग्राम में दो से अधिक सेलों के सिलेक्शन को क्या कहा जाता है? दो से अधिक सेलों के सिलेक्शन को क्या कहते हैं? टेबल, बुक, फाइल, सीट। तो इसका आंसर होगा टेबल होगा, जहाँ पर आप दो से अधिक सेल सेलेक्ट कर लेते हो तो वहाँ पर टेबल मानी जाती है। सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ दिखाई पड़ता है आपको सीट में? नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, टास्क बार, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो सेल का एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है कि किस सेल पर इस समय आप हो, या जो एक्टिव सेल है उसका एड्रेस क्या है। जिस सेल पर आप काम कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव सेल, और उसी सेल का एड्रेस आता है वो आपका नेम बॉक्स। एक जगह होती है सीट में ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे, तो वहाँ पर आपका नेम बॉक्स होता है, उसमें आपका एक्टिव सेल का एड्रेस आता है। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व या पहले होता है? हैज़, डॉलर, मल्टीप्लाई, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी पहले मैंने पूछा हुआ है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में आता है। तो ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है वो बताना है आपको। देखिए, सम का फॉर्मूला लगा है A1 से लेकर A10 के बीच में, पर किस तरीके से लगाया जाएगा वो तरीका बताना है इसमें। तो देखिए, आपको दिख रहा है तीन तरीके से लगा के दिखाया गया, और इसमें सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन है, इक्वल टू सम आएगा, फिर पहले सेल का एड्रेस, कोलन, फिर लास्ट सेल का एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग में लाई जाती है किसी फंक्शन को डालने के लिए एमएस एक्सेल में? शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F7। तो आंसर सही क्या होगा इसका? शिफ्ट प्लस F3। यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक या फिर फिट नहीं बैठती है, ठीक है, जो भी आपने इसमें डेटा डाला है अगर वो उस सेल के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है तो उस सेल में क्या प्रदर्शित होता है ये बताना है।
देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। हैज़ करके आता है, या फिर हैज़ DIV ऑब्लिक ओ आएगा, या फिर हैज़ DIV आएगा, या फिर लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका फॉर्मेट संख्या डेटा उस सेल में फिट नहीं बैठता है तो आंसर इसमें क्या हैज़ प्रदर्शित होगा इसमें। MS Excel में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं? देखिए इसमें ऑप्शन पहले से बता दिया है, एक सीट होती है। ये देखिए आपके लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग है, जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उसमें एक सीट होती है। MS Excel में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सीट लग के आती है, और आप एक से ज़्यादा बाद में ऐड कर सकते हो, पर उसमें अपनी तरफ से एक आती है। पर जो पहले के वर्जन थे आपके 2010 तक के, और 10 में, हाँ 10 के पहले के और 10 में, उसमें आपकी 3 सीट बाय डिफ़ॉल्ट आती थी। तो 3 सीट पहले से आएगी और एक उसके बाद आप जितनी चाहो ऐड कर सकते हो। MS Excel में किन्हीं 5 विद्यार्थियों के रिकॉर्ड का करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? मतलब आपको कुछ लोगों की जो डेटा है उसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उसके लिए एवरेज का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये आपके 3rd इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस मैं और लाऊंगी। वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।